और जीपीएस भी है इसमें, जो मैं आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में। इसमें इनबिल्ट जीपीएस मिलता है आपको वॉच में ही, तो ये एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है। गाइस स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और एक अनबॉक्सिंग में। और यहाँ पे मैंने ऑनर की वॉच मंगाई, ऑनर वॉच मैजिक एक बार और फिर से, क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले मंगाई थी, मेरे को अच्छी लगी थी और मैंने बहुत यूज़ किया, उसके बाद मैंने अपने भाई को उसको गिफ्ट कर दी थी। तो यहाँ पे आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। बहुत पुराना ये रिव्यू होने वाला है, मतलब पुरानी वॉच का नया रिव्यू होने वाला है। तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। एमोलेड डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको और बहुत ही कम दाम में मेरे को ये पड़ी है। ये मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 6,500 रुपीज़ की पड़ी है अमेजोन से। तो गाइस इस तरीके का आपको बॉक्स मिल जाता है, ऑनर की ब्रांडिंग है। नीचे की साइड आपको यहाँ पे ऑनर वॉच मैजिक मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइस है वो 16,999 रुपीज़ लिखा हुआ है, बट ये आपको कम प्राइस में मिल जाती है। और तो कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, इसको ओपन कर लेते हैं सीधे हम। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ज़्यादा ही बड़ा बॉक्स है। इस तरीके का बॉक्स मिल जाता है आपको और यहाँ पे इस तरीके का मिल जाता है। और ये आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपको ये चार्जिंग के लिए टाइप सी आई गेस मिलती है आपको, यस टाइप सी मिल जाती है। और यहाँ पे आपको ये चार्जिंग डॉक मिल जाता है जिसकी वजह से आप इसको पेयर करोगे। इसको हम एक बार निकाल लेते हैं आई गेस, ओके इस तरीके से निकल जाती है वॉच। लुक वाइज आप देख सकते हो इस तरीके की लग रही है आपको, और इसको मैं साइड कर लेता हूँ, तो इस तरीके का मिल जाता है। एंड वन सेकेंड, ओके तो ये वॉच है आपकी, ये लुक इसका अच्छा आ रहा है। और गाइस देख लेते हैं यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। ये आपको जो डॉक मिलता है ये आपको पीछे की साइड यहाँ पे लगाना है, क्लैप में करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ तो मेरे को पता है यहाँ पे किस तरीके से कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे पीछे की साइड आपको इसको टैप करना है, ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। अच्छी खासी यहाँ पे बॉन्डिंग मिल जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पे गिरेगा नहीं। और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट लगा देना है और ये चार्ज हो जाएगा। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है डेफिनेटली, तो आप फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ बुकलेट मिल जाती है बहुत मोटी मोटी, यहाँ पे ये रही एक बहुत मोटी सी इस तरीके से आई गेस। यहाँ पे वारंटी कार्ड है कुछ, एंड गाइज यहाँ पे आपको ये एक और वारंटी कार्ड मिल जाता है 1 ईयर की वारंटी के साथ। ये बहुत मोटा ये भी आपको मिल जाती है। तो गाइस इसको रखते हैं साइड में और मेन हम अपनी वॉच पे आएंगे, इसको भी रख देते हैं साइड में इसको। तो गाइस यहाँ पे आपको इस तरीके की वॉच मिलती है, लुक वाइज बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। आप देख सकते हो पीछे की साइड आपको सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी कमी ये लगी कि SPO2 लेवल सेंसर नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा मेरे को कमी लगी, बट स्पोर्टी लुक इसका बहुत अच्छा है। यहाँ पे 22mm स्ट्रैप साइज है, आफ्टर मार्केट का भी आप इसमें लगा सकते हो। स्प्रिंग मैकेनिज्म आपको मिल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट सिलिकॉन आपको स्ट्रैप दिया गया है। और गाइस यहाँ पे टेक मीटर की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है रेड एक्सेंट में और रेड ब्लैक एक्सेंट में, बहुत ज़्यादा कूल लग रही है। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको स्पोर्टी लुक मिलता है। दो बटन मिल जाती है, एक तरफ आपको मेन्यू के लिए और एक तरफ स्पोर्ट्स मोड के लिए डेडिकेटेड आपको एक बटन मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो क्लैप्स है यहाँ पे ऑनर की ब्रांडिंग अगर आपको दिख रही है तो, और यहाँ पे ये मैकेनिज्म मिल जाता है, दो आपको मिल जाते हैं इसको अच्छी तरीके से होल्ड करने के लिए। और गाइस अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो 1.28 इंचेस की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, एक बार टैप करके होल्ड करना है थोड़ा सा तो ये ऑन हो जाएगा, और ये ऑन हो चुका है जैसे कि देख सकते हो। ऑनर की ब्रांडिंग यहाँ पे आ चुकी है और थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने में। यहाँ पे कुछ सेकंड शो कर रहा है, इस तरीके से मिल जाता है। लुक वाइज देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, स्पोर्टी लुक आता है पूरा का पूरा। और एच टू एच आपको डिस्प्ले मिलती है यहाँ पे। प्रोडक्शन कौन सा है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन इसमें मिल जाता है आपको इनबिल्ट कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से और अच्छा इसमें प्रोडक्शन हो जाता है। रिंग की प्रोडक्शन तो आपको मिली जाती है साइड साइड में, तो ये भी एडेड एडवांटेज आपको इसमें मिल जाती है। तो गाइज ये आपका डिफॉल्ट वॉच फेस मिल जाता है ऑन होते ही। और गाइज यहाँ पे और भी वॉच फेस इसको चेंज कर सकते हो, इसको टैप करके रखना है आपको। यहाँ पे वाइब्रेशन अलर्ट मिलेगा आपको, उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से बहुत सारे वॉच फेस आप यहाँ पे लगा सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं वॉच फेसेस। एंड गाइस अब एक एक करके सारे के सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऊपर की साइड से स्वाइप करते हो आपको टॉगल मेन्यू मिल जाता है, जहाँ पे DND मोड मिलता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है, ये आप ऑन करोगे तो नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पे शो टाइम मिल जाता है, शो टाइम का मतलब ये 5 मिनट तक के लिए आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहेगा, मतलब ये ऑफ नहीं होगा। देख सकते हो आप यहाँ पे थोड़ी सी डिम हो चुकी है डिस्प्ले। और यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाते हैं तो यहाँ पे और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और गाइस उसी के साथ साथ यहाँ पे फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाता है और लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, ये लॉक हो जाता है। तो गाइस अनलॉक करने के लिए आपको करना क्या है, डाउन बटन को इसको होल्ड करके रखना है आपको थोड़ी देर के लिए, ये अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अनलॉक हो चुका है, तो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे 100 शो कर रहा है और ब्लूटूथ ऑन यहाँ पे। और गाइस लेफ्ट साइड में स्वाइप करने पे आपको कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, इस तरीके से आपको मिल जाता है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे वापस से होम पे आ जाता है, देख सकते हो। राइट साइड में स्वाइप करने पे आपको वापस से जो शॉर्टकट्स हैं वो मिल जाते हैं एज इट इज़ सेम। और वापस से इसमें होम पे जाना तो यहाँ पे टाइप करना है एक बार, और उसी के साथ साथ जैसे आप नीचे से स्वाइप करते हो तो यहाँ पे मैसेज शो कर देता है, दैट्स इट।
तो ये सारी की सारी चीज़ मिल जाती है। अब गाइस यहाँ पे डेडिकेटेड नीचे का आपको एक मेन्यू मिलता है, यहाँ पे जैसे आप टैप करते हो ये आपका सारे के सारे स्पोर्ट्स मोड खोल देता है। यहाँ पे रनिंग कोर्सेज हैं इस तरीके से, रन वॉक, यहाँ पे प्रॉपर आपको डेटा शो करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और GPS भी है इसमें, जो मैं आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में, इसमें इनबिल्ट GPS मिलता है आपको वॉच में ही, तो ये एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है। यहाँ पे आउटडोर रन है, इंडोर रन है, आउटडोर वॉक है, क्लाइंबिंग है, आउटडोर साइकिल है, इंडोर साइकिल है, पूल स्विम है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्विम मोड मिलता है, ये डीप स्विमिंग के लिए बनी हुई है, आप इसको डेडिकेटेड अंदर लेके जा सकते हो, प्रॉपर इसमें आपको मेजरमेंट मिल जाता है, ओपन वाटर में स्विम कर सकते हो, और यहाँ पे ये अदर का ऑप्शन मिल जाता है। अदर में जाके आप अपने खुद के टारगेट्स यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वापस से होम पे जाना है तो यहाँ पे आपको इसको आई गेस वो करना है, यस, ऊपर वाली बटन से आप होम पे जा सकते हो। और जैसे आप ऊपर वाली बटन दबाते हो तो यहाँ पे आपको मेन्यू मिल जाता है, सारे के सारे मेन्यू आपको यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि वर्कआउट है, वर्क रिकॉर्ड्स है, HR मीटर है, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स है, स्लीप है, बैरोमीटर है, और गाइस यहाँ पे कंपास है, वेदर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है, उसके बाद स्टॉप वॉच है, टाइमर है, अलार्म है, फ्लैश लाइट है, फाइंड माय फोन है, और सेटिंग है। फ्लैशलाइट की अगर मैं बात करूँ इस तरीके से आपको मिल जाता है, और गाइस यहाँ पे अलार्म में आप यहाँ पे प्रॉपरली अलार्म खुद लगा सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ टाइमर मिल जाता है यहाँ पे, टाइमर आप यहाँ पे चूज़ ऑन कर सकते हो अपनी तरफ से, स्टॉप वॉच आपको मिल जाती है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और गाइस वेदर नोटिफिकेशन यहाँ पे शो कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे कंपास है, कंपास भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो स्पोर्ट के लिए बनी हुई है तो स्पोर्टी लुक आपको मिल जाता है, बैरोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है इस तरीके से, और उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैकिंग भी अच्छी तरीके से ये मेजर करता है, और एक्टिविटी रिकॉर्ड से HR मॉनिटर है, वर्कआउट है, और यहाँ पे मिल जाता है। HR मॉनिटर को अब हम एयर टेस्ट कर लेते हैं एक बार, इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं, तो यहाँ पे तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा ऊपर की साइड यहाँ पे, और यहाँ पे सेंसर ऑफ है, तो ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ऑनर के वॉचेस तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी होती है। यहाँ पे मैं सरफेस टेस्ट भी कर लेता हूँ एक बार, इसको ऑन करता हूँ, तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे भी स्कैन नहीं कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंसर की एक्यूरेसी तो डेफिनेटली बेटर मिली जाती है। एक बार मैं इसको पहन के आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको मिलता है इसका जो लुक है, और उसके बाद हम इसको पेयर कर लेंगे अपने फ़ोन के साथ, ताकि मैं और इसकी फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पे ये बहुत जल्दी आप पहन सकते हो अदर वॉचेस से कंपेरिजन में, तो यहाँ पे इस तरीके का लुक आता है, लुक बहुत अच्छा आ रहा है, स्पोर्टी लुक आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल हेड्स में इस तरीके से आपको लगने वाली है। और यहाँ पे गाइज ब्राइटनेस लेवल्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में जैसे आप जाते हो, यहाँ पे सेटिंग में और चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि डिस्प्ले है, डू नॉट डिस्टर्ब है, सिस्टम है, अबाउट है, दैट्स इट। तो गाइज सिस्टम में आप जाते हो, सिस्टम में आपको और चीज़ें मिलती है, रीस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट, दैट्स इट। यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हो तो यहाँ पे वॉच फेस यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस लेवल 3 है। एडवांस में जाते हो यहाँ पे, और स्लीप का ऑटो मिल जाता है, स्क्रीन ऑन 5 मिनट के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से आपको मिल जाता है। लॉन्गर स्क्रीन स्टेज ऑन द फास्टर योर बैटरी विल रन आउट, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो 20 मिनट तक का, ये बहुत अच्छी बात है। और ब्राइटनेस लेवल्स यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, 3, 4 एंड 5 ऑटो, यहाँ पे 5 पे कर देता हूँ, तो देख सकते हो कितनी ब्राइट हो चुकी है। यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब कहना चाहूँगा यहाँ पे। और दूसरा वॉच पे से एक बार लगा के देखते हैं, तो लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा और यहाँ पे लगे, तो गाइस ये देखो आप, ये कितना अच्छा लग रहा है इस पे वॉच पे, बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है, राइट। तो इस तरीके से मिल जाता है। शो टाइम 20 मिनट्स का है, तो 20 मिनट्स तक ये ऑफ नहीं होगी, मतलब वे कौन ही रहेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं HR मॉनिटर को एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे चलते हैं हार्ट रेट को, और यहाँ पे लाइव हार्ट रेट आपको बताएगा। आई गेस ऑलरेडी ये स्कैन कर चुका है जब से मैंने वॉच को पहना है, क्योंकि इसमें 24 आवर ऑन रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाया था, 85 BPM शो कर रहा है, और यहाँ पे लॉक कर लेगा थोड़ी देर बाद। अब गाइस इसको पेयर कर लेते हैं अपने फ़ोन के साथ, कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस अगर आप ऑनर डिवाइस को यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ऑनर हेल्थ के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे ये इंटरफेस मिल जाता है आपको, ये होम है, यहाँ पे एक्सरसाइज है, यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन है, तो डिवाइस में आपको जाना है। और एंड गाइस डिवाइस में जाके आपको एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ऐड डिवाइस का ऑप्शन, तो यहाँ पे सर्च कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनर वॉच 75D आ चुका है। यहाँ पे इसको प्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे अलाउ कर देना है, और यहाँ पे पेयर हो चुकी है ये वॉच। और गाइस यहाँ पे वॉच फेस भी आप लगा सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देख लेते हैं क्या क्या मिलता है आपको। हेल्थ मॉनिटरिंग में आपको प्रॉपर यहाँ पे डेटा शो करता है, और हुआवे हेल्थ सेंस का ऑप्शन मिलता है। नोटिफिकेशन यहाँ से आप अलाउ कर सकते हो, और हेल्थ एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस दे देना है, और यहाँ पे डिजो को भी देता हूँ मैं, ताकि सही रहे।
और गाइस यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे जितने भी आपके हैं सोशल मीडिया के अलार्म, यहाँ से आप प्रॉपर लगा सकते हो और वॉच से भी आप लगा सकते हो। हेल्प मिलता है, डिवाइस सेटिंग मिल जाता है यहाँ पे, रेस्ट टू वेक, वेयरिंग प्रेफरेंसेस, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में आपको पहनना है उस तरीके से आपको मिल जाता है। और फर्मवेयर अपडेट की बात करें तो यहाँ पे स्कैन कर रहा है, देखते हैं मिलता है कि नहीं अपडेट, ऑलरेडी अप टू डेट है ये, और फीडबैक मिल जाता है, दैट्स इट। यहाँ पे वॉच फेसेस की बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे आपको वॉच फेस मिल जाएंगे, तो गाइस यहाँ पे फ्री वाले मिल जाएंगे, पेड वाले मिल जाएंगे, तो हम चलते हैं फ्री की तरफ थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो गाइज़ फ्री की तरफ हम जाते हैं तो ये सारे के सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं। एंड गाइज़ एक वॉच फेस मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्रिस्टल वाला, ये वाला, तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। ये डाउनलोड होगा पहले, ये डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है अब। तो गाइज़ यहाँ पे लग चुका है ऑटोमेटिकली, देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक आ रहा है इसका, और पूरा ब्लैक है और बीच में ही आपको दिख रहा है। तो एमोलेड पैनल का यही एक फायदा है, इस तरीके से आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी इमेज को ऐसा वॉच फेस नहीं लगा सकते, ये फीचर इसमें मिसिंग है, ये देना चाहिए था इनको। तो कहीं पे भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि आप अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस लगा सकते हो, तो ये थोड़ा सा मेरे को फ्लॉ लगा। ओवरऑल क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी वॉच की, और यहाँ पे स्पोर्टी लुक तो है ही है वॉच का, और डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको ये वॉच बाय करनी है, इवन 6000 के प्राइस ब्रैकेट में आती रहती है कभी कभी, ये 6000 रुपये में भी आ जाती है, बट अभी एज ऑफ नाउ 7000 रुपीज़ में मिल रही है 6999 में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।